वेलकम बेटा टू माई चैनल सो इजी मैथ। माई डियर स्टूडेंट्स, अज आप विभाग वालों भेजा गया मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 10th 2022-23 का सॉल्व करांगे। वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना। मैं पंजाबी ते इंग्लिश दोनों मीडियम विच ही एक्सप्लेन करांगी। इत देखो बेटा, पहले जो 16 क्वेश्चन ने वह एम सी क्यू टाइप होंगे, चार ऑप्शन होंगे, एक टिक लगाना होएगा। प्रश्न दो दे विच ट्रू फॉल्स होंगे, ये 8 क्वेश्चन ने। प्रश्न तीन दे विच बेटा फिलअप्स होंगे, एक एक नंबर वाली हैं, ये भी 8 क्वेश्चन ने, ठीक है। फिर भाग आड़ा 4 to 11 तक 2 अंकों वाले, 12 to 16 तक 4 अंकों वाले। तीन किसी प्रश्न के अंदरूनी छोट होगी बेटा जी। 17 to 18 जोड़े क्वेश्चन ने ये 6 अंकों वाले होंगे, ठीक है जी। फर्स्ट है अपने कोल फैक्टर ट्री गिवन है बेटा, गुणनखंड दरख्त गिवन है, ठीक है। फैक्टर ट्री इंग्लिश गुणनखंड दरख्त, इनू कंप्लीट करना। देखो 2 into 3 6 6 into 3 18 मीनस ये कैसी ऑप्शन आओगी बेटा जी, 6, ठीक है। नेक्स्ट है पी एक्स, देखो गिवन दो का ती बहुपद है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। सी बाय ए दसने भी की रिलेशन है, सी की आ कॉन्सटेंट टर्म अचल पद, ए की आ कोफिशंट ऑफ एक्स का स्केयर, एक्स स्केयर का गुणाक। तो रिलेशनशिप की दर्शाती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सिफर का गुणफल, ठीक है जी। ऑप्शन डी आंसर हुए द। नेक्स्ट है अपने कोल वाई इज इक्वल टू पी एक्स से आलेख लिए सिफर की गिनती दसनी है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है बेटा वाई इज इक्वल टू पी एक्स लिए। देखो पी एक्स मीनस एक्स एक्सिस के उपर किन्ने पॉइंट से ग्राफ कटदा है, देखो 1 2 3 3 पॉइंट से कटदा बेटा, इधर तो नंबर ऑफ जीरोस किन्नी आ गया अपने कोल 3। नेक्स्ट देखो समीकरण ने इक्वेशंस ने उहदा एक हल है, मीन यूनीक सोल्यूशन आ, आपां के दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा अपने कोल क्वेश्चन है के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सैकेंड है 6x-2y=3। एक हल है यूनीक सोल्यूशन का, की फार्मूला होंगे अपने को, a1/a2 ≠ b1/b2। a1 a2 की होंगे ने कोफिशेंट ऑफ एक्स, मीनस k/6 ≠ b1/b2 कोफिशेंट ऑफ वाई, कि उपर -1, निचले वाई का कोफिशेंट कि -2, -2 कैंसल आउट बेटा। तो अपने कोल के दी वैल्यू कितनी आ गई, के इज नॉट इक्वल टू 6, ऊपर चला जाएगा 6/2 3, के इज नॉट इक्वल टू 3, इट्स ऑप्शन बी, क्लियर जी। नेक्स्ट है बेटा अपने कोल k2, देखो के दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने, 6k है जेड़ा वो इहदा की है एक हल है, इहदा सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन हल का मतलब की है जी, वैल्यू पुट कर दो, पॉइंट पुट कर दो, ठीक है। तो के दी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये वैल्यू पुट करो बेटा, 3x कि पुट करांगे आप 6 प्लस वाई कि अपने को k-22 = 0, 6 × 3 = 18 प्लस k-22 = 0 प्लस 18 - 22 कि बन गए -4 = 0, तो के दी वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने कोल 4, दिस वन, क्लीयर जी। नैक्सट देखना बेटा अपने केड़ी समीकरण, दो घाती समीकरण नहीं है, मीनस विच इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इनू सॉल्व करो बेटा सारी इक्वेशन नो। जो फर्स्ट है एक्स नो दोनों पासे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बन जाएगा x²-3 = 4x, एक्स स्क्र 4 राइट साइड जाके -4x-3 = 0, ठीक है। 4x ने लैफ्ट साइड ले आए -4x, ये हायर पावर 2 आ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैगी है, ठीक है। नैक्सट सोल्व करते हैं सेम इदा ही, ए बन जाएगी अपने को 3x²-5 = x³, ठीक है। x³ इधर ले आओ लैफ्ट साइड पर -x³ प्लस 3x²-5 = 0, ये हायर पावर कि अपने को 3,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਆਡਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਦੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੁਆਡਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏ ਪੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਕੋਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਏ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਏ ਵਨ, ਮੀਨਸ ਵਨ ਮਾਈਨਸ ਥ੍ਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਟੂ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਐਕਸ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ, ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ, ਐਕਸਿਸ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਉਹਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ, ਮੀਨਸ ਇਨ ਜਨਰਲ ਐਕਸ ਜ਼ੀਰੋ। ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਵਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ੀਰੋ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਵਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਾਈਨ ਸੀਕੈਂਡ ਸਕੇਅਰ ਏ ਮਾਈਨਸ ਨਾਈਨ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਨ ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੀਕੈਂਡ ਸਕੇਅਰ ਏ ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਈਨ ਸੀਕੈਂਡ ਸਕੇਅਰ ਏ ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਨ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਗਿਵਨ ਆ, ਸਾਈਨ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਈਨ ਏ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਏ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ, ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਸ, ਆਧਾਰ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਆਹ ਕੀ ਆ, ਕਰਨ, ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੀ ਬਾਏ ਐਚ, ਲੰਬ ਵਟਾ ਕਰਨ, ਲੰਬ ਵਟਾ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਬੀ ਸੀ ਬਾਏ ਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਗੋਲੇ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਘਣਫਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲਾ ਮੀਨਸ ਸਫੀਅਰ, ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮੀਨਸ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਣਫਲ ਮੀਨਸ ਵੋਲਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਲਿਊਮ, ਦਿਸ ਵਨ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ, ਮੀਨਸ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਘਣਫਲ ਦੀ। ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲੇ ਦੀ, ਸਫੀਅਰ ਦੀ, ਫੋਰ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਘਣਫਲ ਦਾ, ਫੋਰ ਬਾਏ ਥ੍ਰੀ ਪਾਈ ਆਰ ਦਾ ਕਿਊਬ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਰਕਮ ਉਲਝੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੇਠਲੀ, ਥ੍ਰੀ ਬਾਏ ਫੋਰ ਆਰ ਦਾ ਕਿਊਬ, ਫੋਰ ਨਾਲ ਫੋਰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਰ ਕਿਊਬ ਆ, ਇੱਕ ਆਰ ਆ, ਦੋ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ, ਮੀਨਸ ਥ੍ਰੀ ਬਾਏ ਆਰ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਥ੍ਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਰ, ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਮੀਨਸ ਬੇਟਾ ਜੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੇਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ ਆ। ਟੇਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਦਿਸ ਵਨ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਰੂਪਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਬਾਏ ਏ ਸੀ ਮੀਨਸ ਸਿਕਸ ਰੂਟ ਥ੍ਰੀ ਬਾਏ ਥ੍ਰੀ ਰੂਟ ਥ੍ਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟੂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੇਟਾ ਪੀ ਕਿਊ ਬਾਏ ਬੀ ਸੀ ਟਵੈਲਵ ਬਾਏ ਸਿਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਟੂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਿਊ ਆਰ ਬਾਏ ਏ ਬੀ 7.6 ਬਾਏ 3.8, ਇਹਨੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਟੂ। ਤਿੰਨੋਂ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੈਂਗਲਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਮਿਲਰ,
देखो पहले मैंने केड़ी साइड लती सी पी आर दिस वन, फिर मैंने लती सी पी क्यू, फिर मैंने आ लती सी मीन्स आर पी क्यू आ जड़ी वो सिमिलर आ। ठीक है, इधर बेटा पहले मैंने ए सी लती, फिर मैंने सी बी लती, फिर मैंने बी ए लती मीन्स ए सी बी दे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ने। हुण आर ए दे बराबर होएगा, पी आ जेड़ा वह सी दे बराबर होएगा, क्यू बी दे बराबर होएगा। हुण दे केड़ी ऑप्शन आऊगी, पी इज इक्वल टू सी दे, इट्स ऑप्शन सी। क्लीयर जी। नैक्सट है बेटा अपने कोल, अपने इस डाटा दे विच बहुलक फाइंड आउट करना। बहुलक मीनस मोड, जिहड़ी वैल्यू वध तों वध आई आ, किहड़ी वैल्यू सब तों वध वार आई है। देखो इहदे विच टू किन्नी वार आ गया, वन टू थ्री टाइम्स, दो तीन वार आ गया, थ्री किन्नी वार आया देखो टू टाइम्स, बाकी सारे वन वन टाइम ने। मीनस मोड किन्ना हो गया बेटा इहदा, टू, क्योंकि टू सब तों वध वार आया। क्लीयर जी। दिस वन ऑप्शन बी, मॉड बेटा एक तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, मान लो टू भी थ्री टाइम्स आ गया, थ्री भी थ्री टाइम्स आ गया, तो टू और थ्री दोनों वो मोड होंगे, बहुलक होंगे। किसी संभव घटना के वापर की संभावना करनी, संभावना मीनस प्रोबेबिलिटी, असंभव घटना मीनस इंपॉसिबल ईवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो। कितनी होती बेटा, जीरो। अगे देखो चक्कर का परिमाप, परिमाप मीनस पैरीमीटर ऑफ सर्कल, खेत्रफल मीनस एरिया, संख्यात्मक रूप से बराबर ने तो चक्कर का अर्धव्यास फाइंड आउट करना मीनस रेडियस अपा ने फाइंड आउट करना है। परिमाप पैरीमीटर पी कि बराबर आ, एरिया खेत्रफल दे। सर्कल के परिमाप का फार्मूला की हों, टू पाई आर। एरिए का फार्मूला की हों, पाई आर स्क्यूअर, पाई ना पाई कैंसल आउट बेटा, दोनों एक पासे आर कैंसल आउट हो जूगा, इधर टू बचिया, इधर एक सिंगल आर बची, तो रेडियस कि आ गया अपने कोल, टू इकाइया, टू यूनिट्स। क्लीयर जी। नैक्सट देखो बेटा, ट्रू फॉल्स ने इक्वेशन गिवन आ, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक रेखा आ कहिंदा एक लाइन आ जो एक्स धुरे दे समांतर हुंदी है, ड्रा कर लैने आ। देखो एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जीरो, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, दिस वन आ लाइन आ गई। हूँ देखो ये लाइन कि समानांतर आ, एक्स एक्सिस से, इट मीनस इन भी ही क्या भी एक्स एक्सिस के समांतर आ, तुरे दे की आ पैरल, इट मीनस ये बेटा की आ ट्रू। ठीक है जी। नैक्सट है अपने कोल इक्वेशन गिवन आ, वो कह रहे मूल्स की ने समान ने, बराबर ने, इक्वल ने, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू जीरो होंगे, नो बेटा ये गलत है, फालस आ, क्योंकि की होंगे डी इज इक्वल टू जीरो, जो रूट्स की होंगे ने इक्वल। किसी अंकगणित लड़ी का एनवा पद अपन गिवन आ, दसवां पद चाली होगा, एंथ टर्म गिवन आ बेटा। ठीक है, अपना टेंथ टर्म फाइंड आउट करनी है। देखो ए एन कि अपने को थ्री प्लस फोर है, कि वैल्यू करनी है अपना दसवां पद मीनस टेंथ टर्म ए एन कि आएगा, थ्री प्लस फोर इंटू टेन। ठीक है, जितने एन सेगा उत्तर मैंने टेन पुट करता, ये बन गया बेटा जी थ्री प्लस फोर इंटू टेन फोर्टी, फोर्टी प्लस थ्री फोर्टी थ्री, ये कह रहे हैं फोर्टी होगा, इट मीनस की है गलत। ठीक है जी। नैक्सट है पी थ्री फोर बिंदु गिवन आ, मूल बिंदु तो दूरी पांच इकाइयां है, मूल बिंदु मीन बेटा जी ओरिजन तो, ओरिजन तो अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देखो पी पॉइंट कितना अपने कोल थ्री फोर, ओरिजन ओ कितना होंगे अपने कोल जीरो जीरो, डिस्टेंस फॉर्म में लगा लो की होंगे जी एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्यूअर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्यूअर। ठीक है, जिन्होंने मर्जी एक्स वन एक्स टू मान लो, थ्री माइनस जीरो का स्क्यूअर प्लस फोर माइनस जीरो का स्क्यूअर, ये बनजू थ्री माइनस जीरो थ्री, थ्री का स्क्यूअर नाइन, फोर माइनस जीरो फोर, फोर का स्क्यूअर सिक्सटीन मीनस ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का रूट फाइव, ये कह रहा पांच इकाई,
इट मीन्स ये किया बेटा जी ट्रू स्टेटमेंट सही, ठीक है जी। नेक्स्ट है को किसी भी कोण ए दे लई साइन ए चार बटा तीन होगा। साइन ए दी वैल्यू बेटा 4/3 हो सकती है, नो, क्योंकि साइन दी वैल्यू है जी 0 तो लैके 1 दे विच हो सकती है, नैगेटिव भी हो सकती है -1 to 0, पर 1 तो ग्रेटर नहीं हो सकती। जो 4/3 है ये की है 1 तो ग्रेटर, जिन्हों पॉइंटा च कढ़ोगे यदि वैल्यू 1 तो ग्रेटर आएगी, ठीक है, नॉट पॉसीबल, ये की है गलत। उस तो देखो बेटा नैक्सट है शंकु का आधार से उचाई सिलेंडर के आधार से उचाई के बराबर हो तो उन्हें घनफलों का अनुपात 3:1 होगा। देखो बेटा एक पास शंकु आ कौन आ दूजे पास सिलेंडर आ, ठीक है, दोनों के आधार तो उचाई आधार भी बराबर ने तो उचाई भी बराबर, मीनस रेडियस भी सेम आ तो हाइट भी सेम आ, तो उन्होंने घनफल मीनस वॉल्यूम का अपने रेशो फाइंड आउट करनी है। देखो पहला शंकु लिखा हुआ यदा वॉल्यूम 4/1/3 पाई आर स्क्र एच, सिलेंडर का की होंगे बेटा पाई आर स्क्र एच, दोनों की रेशो फाइंड आउट करो, मीनस 1/3 पाई आर स्क्र एच अबलीक पाई आर स्क्र एच कैंसल आउट, कि आ गया 1:3, ये की कह रहे हैं 3:1, इट मीनस की है बेटा जी रोंग स्टेटमेंट, ठीक है जी, फॉल्स। नैक्सट है पी नॉट ई तो पी नहीं दी संभावना दर्शाता है, तो पी ई प्लस पी नॉट ई बराबर 0 होगा, नो बेटा किसी की भी प्रोबेबिलिटी दी होन दी ते ना होन दी जिहड़ी प्रोबेबिलिटी आ संभावना आ वह कि बराबर होंगी है 1 दी, ये भी की है फॉल्स। चक्कर के अंदरूनी बिंदु तो चक्कर ते 2 स्पर्श रेखावां खिंचियां जा सकदियां हन, मतलब अंदरले कोई बिंदु ले लो इहदे 2 टेंजेंट लाइन आपां ड्रा कर सकते हैं इंटीरियर पॉइंट तो, नो, क्योंकि टेंजेंट लाइन तो बेटा बाहर टच करती है सर्कल नूं एक पॉइंट ते, ए की बेटा जी फॉल्स, ठीक है जी। नैक्सट है जो 2 समीकरणों के आलेख आपस में कट्टन तो समीकरणों का जोड़ा डैश होगा। जो बेटा 2 इक्वेशन ने ग्राफ पर प्लॉट करते हैं एक दूजे कट दिया ने तो उन्हें किन्ने हल होंगे ने यूनीक सोल्यूशन, ठीक है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस का पहो बिंदु फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, यूनीक सोल्यूशन होंगे ने तो कि इनू की बोलते हैं आप संगत हल, तो इन्हें इंग्लिश की बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट, ठीक है जी। सारे वर्ग की होंगे ने आल स्क्वेयर्स समरूप मीन्स सिमिलर, ठीक है जी। रेखाखंड जी ए बी एम का मध्य बिंदु एम है तो ए एम तो बी एम का अनुपात होगा। देखो बेटा रेखाखंड गीवन आ ए एम तो बी एम का अनुपात कढ़ना, क्योंकि मी एम की है मिड पॉइंट आ तो कितनी रेशो होएगी 1:1। कॉट स्केयर ए प्लस 1 कि बराबर होंगे अपने को कोसिकेन स्केयर ए दे। अगे देखो रेडियस आर आ अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल फाइंड आउट करना, एंगल की अपने को पी, अर्धव्यासी खंड मीनस बेटा जी सैक्टर एरिया ऑफ सैक्टर तो कि होगा बेटा डी ऑप्शन। देखो 2 ना 2 कैंसल आउट हो जूगा 360 मीनस पी नॉट बाय 360 इंटू पाई आर स्क्योर, क्लीयर जी। नैक्सट है अपने को डायरम बनी हुई है, जो खिडौना है वह किस चीज़ में मिलकर बनया हुआ। देखो आ की है हैमीस्फीयर, दिस वन कोण मीनस अर्धगोला ते शंकु, दिस वन कोण ते हैमी स्फीयर, नैक्सट है केड़ा केंद्र परमिति का माप नहीं है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, माप केड़ा नहीं है बेटे ये विचलन सीमा मीनस रेंज, ठीक है, आ की है मोड, दिस वन मीडियन मध्यिका मीन मध्यमान। लास्ट क्वेश्चन है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की संभावना दसनी आपने, जो आप कॉइन बेटा टॉस करते हैं तो हैड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। हैड देखो हैड और टेल दो ही आउटकम्स हो सकती ने तो फेवर च कि ने 1 तो प्रोबेबिलिटी कि आएगी 1/2, इट्स ऑप्शन सी, ठीक है जी।
नेक्स्ट पार्ट बेटा अपन नेक्स्ट वीडियोज़ करांगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना।